हेलो नमस्कार, मैं नील अग्रवाल और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 1 2 3 23 में है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा पर चैप्टर चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणा पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। वैसे हमने पिछली क्लास में 122 में पावर फैक्टर के बारे में पढ़ लिया था, शक्ति गुणांक का मान निकाला था हमने, शक्ति का मान निकाला था जिसमें P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई है। उसमें हमने कोस फाई को बताया था कि कोस फाई क्या होते हैं, ये शक्ति गुणांक होते हैं। इसी से पता चलता है कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति बराबर है। इसी से पता चलता है कि शक्ति व्यय कितना होगा, अधिकतम होगा या जीरो होगा। जैसे हमने एल और सी में देखा था तो शक्ति का मान, शक्ति वेग शक्ति का मान जीरो आ गया। इसी तरह से आर में हमने देखा था कि वेग शक्ति का जो मान है वो वी आर एम एस आई आर एम एस आया था। अब इसको एक फॉर्म में और डेराइव कर सकते हैं, अगर हमें हमें प्रतिरोध की फॉर्म दी जाए। प्रतिरोध का मतलब नॉर्मली प्रतिरोध के लिए आर, और संधारित्र के लिए प्रतिरोध का मान दे दिया जाए एक्सएल, दे दिया जाए एक्स सी का मान दे दिया जाए संधारित्र के लिए, कुंडली के लिए एक्सएल का मान दे दिया जाए, या दूसरी फॉर्म जो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, या एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc होता है। तो वहां किसका मान दे दिया जाए आपको, आपको संधारित्र की धारिता दे दी जाए, प्रेरकत्व का मान दे दिया जाए, कुंडली के प्रेरकत्व हेनरी की फॉर्म में, मिली हेनरी, किसी भी फॉर्म में दे दिया जाए, तो फिर हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर डिफाइन करना है तो इसको देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अपने पास अपन ने फॉर्मूला निकाला था P इज इक्वल टू, वी नो दैट फ्रॉम लास्ट टॉपिक, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। कोस फाई में पता है यहाँ शक्ति गुणांक होता है, तो कोस फाई का मान क्या है, कोस फाई का मान आ गया पी अपॉन वी आर एम एस आई आर एम एस। इसका मतलब पी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक शक्ति, और वी आर एम एस आई आर एम एस को कहते हैं आभासी शक्ति। तो इसे ये भी लिख सकते हैं वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। तो इसकी डेफिनेशन भी आप इस तरह से अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एलसीआर परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात परिपथ का शक्ति गुणा कहलाता है। ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि अतः एलसीआर परिपथ में, परिपथ की वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता। इतनी बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, वही है नॉर्मली। दूसरा वे क्या है इसको सोल्व करने का, वो है अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने बढ़ाया था, वोल्टता कला धारा में कलांतर की फॉर्म में लिया था हमने, प्रणामी मान को प्रतिबाधा को जेड से हमने शो किया था, उसके साथ एंगल को लिया था फाई। तो वहां से हम कोस फाई का मान भी निकाल सकते हैं, जगह हमने यूज भी किया था कोस फाई का मान, तो यहाँ कोस फाई का मान निकाला जा सकता है वहां से। वो जो कोस फाई का मान आया किस फॉर्म में, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो वहां जो आधार बटे कर्ण आएगा, आधार जो उसमें आर आएगा, कर्ण जो भी उसके अंदर आएगा, वो डिपेंड करेगा कि एलसीआर परिपथ है, आरसी परिपथ है या एलआर परिपथ है। न्यूमेरिकल में ये बात यूज हो जाती है, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ इसे कि प्रतिबाधा के रूप में भी इसको व्यक्त किया जा सकते हैं। एक बार ये गुणांक है, संख्यात्मक मान होता है कोस फाई, जैसे कोस 45 डिग्री है तो 1/√2 आर, तो वो एक संख्यात्मक मान है, कोस 0 है 1 है मैक्सिमम, कोस 90 है 0 है,
संख्यात्मक मान है, इसका मतलब क्या है, सेम वैल्यू में सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सेम वैल्यूज रहेंगी। तो प्रतिरोध की फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिरोध के रूप में कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला ये प्रतिरोध के रूप में ये हमने डायराइव किया है लास्ट क्लास में, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब हम प्रतिरोध के रूप में उस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे। इसके लिए हमने जो पहले टॉपिक पढ़े हैं एनसीआर आरसीआर उनके बारे में थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए कि हमने उसमें जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो फेजर डायग्राम है, वो किस तरह से लिया था। फिर भी हम थोड़ा सा इनको मेमोराइज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट बात लेते हैं एलसीआर परिपथ के लिए, एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति होना, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, इसमें डायरेक्ट भी याद रहता है, डायरेक्ट भी याद रहता है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम से आप एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर उसको रटना नहीं पड़ेगा। जब भी अगर आप भूल भी गए तो भी आप एलसीआर को मेमोराइज करें और उसे जो उसको फेजर डायग्राम हुआ हमें पता है वो पता है, तो उसे तुरंत हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए हम डायग्राम से भी सोल्व करेंगे। इसके लिए कैसे डायग्राम लेते हैं, हम इस तरह से लेते हैं, ये इसका मूल बिंदु होता है और इधर क्या रहता है, इसमें करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होता है, इसको हम वी आर लेते हैं और इसके प्रतिरोध जो क्या है आर है, क्योंकि आर के लिए करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये एलसीआर में बात कर चुके हैं। फिर एल की बात करें तो प्रेरण कुंडली में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, 90 डिग्री आगे। तो इधर अपन ने क्या लिया था, 90 डिग्री आगे लिया था हमने एक्स एल लिया था, या VL कह सकते हैं, VL ले लिया था, VL के फॉर्म में वी इक्वल टू IR, तो I इनटू XL की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया था। और ये L के लिए आ गया, C के लिए क्या होता है, वोल्ट का करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, तो इधर हमने XC ले लिया। अब हमने ये बात की थी वहां ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर है, विपरीत है, इसलिए परिणामी मान इनके अंतर के बराबर होता है। तो इनका अंतर नहीं है तो बड़े में से छोटा घटा के हमने इधर दिया था, तब हमने एज्यूम किया था XL is greater than by XC, we also can assume XC is greater than from XL, तो ग्राफ किधर आ गया, डाउनवर्ड आ गया फ्रॉम XC, तो यहाँ डिफरेंस ये इसका क्या आएगा, XL माइनस XC, यहां से इसका पॉइंट ले तो ये इसका परिणामी मान मिलेगा, ये परिणामी मान को शो करता है, इसको इस मूल बिंदु से मिलाते हैं, ये जो कोण बन रहा है वो इसका कालांतर है, ये इसकी ये प्रतिबाधा किसके लिए है, आर के लिए, ये प्रतिबाधा किसके लिए है, डिफरेंस किसके लिए है, एक्स एल माइनस एक्स सी, एल और सी का डिफरेंस है, और ये जो रिजल्ट आया था वो परिणामी प्रतिबाधा थी, याद होगा सभी को क्या थी, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, अब देखो यहां से कॉस फाई, अब अपने को पता है एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें साइन थीटा को थीटा टेन थीटा ये लंबटे आधार लंबटे कर्ण ये आधार लंबटे कर्ण से निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इस डायग्राम से देखें ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी से कॉस फाई क्या आएगा, भी हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है कि हमें कॉस फाई को सोल्व करना है। नॉर्मल वे में ऐसे कर सकते हैं, ये है कॉस फाई, अगर ये फॉर्म है अपने पास तो इसमें कहां लगाएंगे, ये फॉर्म नहीं लगा सकते, शक्ति का जिक्र ही नहीं किया, वी और आई के मान नहीं अपने पास, अपने पास तो आर का मान है, एक्सएल का, एक्ससी का, ओमेगा का है या एल का है, तो हमें उसी को हमें मान प्राप्त करना पड़ेगा। इट मीन्स कॉस फाई इज ए पावर फैक्टर, तो अपने को कॉस फाई बताना है, जिस फॉर्म में आ जाए उसी फॉर्म में उसको किया जा सकता है। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, इसमें आधार क्या है, प्रतिरोध के रूप में, पूरा भी ले सकते हैं जरूरत नहीं है, पूरा लेंगे तो क्या होगा, वी आर इसकी जगह एक्स एल माइनस एक्स सी या वी एल माइनस वी सी, फिर वी की वी एल की जगह आई इंटू एक्स एल रखेंगे, आई इंटू एक्स सी रखेंगे, आई कॉमन ले लेंगे,
VR is equal to IR रखेंगे, I से I कट जाएगा, गलत ठीक है। आधार की जगह क्या रखेंगे R, और करंट क्या है ये है करंट 90 डिग्री सामने की तरफ Z। तो नॉर्मली आप ये ध्यान रख सकते हैं दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला फॉर LR, LCR, RC सभी के लिए, दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है R और Z के रूप में, तो आपको क्या करना है R और Z ही निकालना है। तो ये देखो R प्रतिरोध है ओम, Z इज टोटल इंपेडेंस ऑफ LCR सर्किट, तो वो भी प्रतिरोध ही है, इसलिए उसका मात्रक जो ओम से हम कट गए ये लेस कर देंगे R अपॉन Z, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी तो R अपॉन Z निकाल लें। अब टिपिकल करके मान लो थोड़ा सा, तो Z की वैल्यू पुट कर दो, वी नो दैट हियर Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये मान रख दो। तो कोस वाई इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, शक्ति गुणांक के लिए, किसके लिए जब एल से अर्थ कर, तो आप सीधा ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्मल वे में ये ध्यान रख सकते हैं आप, जब ये आप करने की बात करें तो ये ध्यान रख सकते हैं कि कोस वाई का मान किसके इक्वल होता है आर अपॉन जेड के इक्वल होता है, आर रेजिस्टेंस एंड जेड इज अ टोटल इंपेडेंस ऑफ गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ का है परिणामी प्रतिपादन। अब दिया गया परिपथ एलसीआर है तो वो एलसीआर का है, एलआर है तो एलआर का है, आरसी है तो वो आरसी का है। अब यहां से सेकंड वैल्यू लें, दो परिपथ और हमने पढ़े थे एलआर और आरसी, उनके बारे में बात करें, उनके डायग्राम याद है तो वैसे ध्यान रख सकते हैं, सीधा याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने, सीधा ध्यान रख सकते हैं। अगर एल आर है तो आर और एल रखें, सी को हटा देंगे, आर सी है तो आर और सी को रखेंगे, एल को हटा देंगे। आगे फॉर्मूला ये फॉर्मूला बने अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हम एक बार बात कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं रहेगी, थोड़ी सी लिखने में भी आपको ठीक रहेगा, बाद में रिवाइज करेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर नोट्स आपके पास प्रॉपर बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसमें एल आर परिपथ के लिए एल आर परिपथ क्या है, इस तरह से कहते हैं एल आर का मतलब सी नहीं है, सी जीरो है, तो ये तो क्या आर, ये हो गया एल, क्योंकि एल क्या होता है 90 डिग्री आगे हो जाता है, एक्सएल हो गया ये, इसी तरह से परिणामी मान आ गया कोण फाई हो गया, तो ये बिंदु आर, ये बिंदु देते बी बिंदु देते ओ, और ये एक्सएल है तो ये भी क्या है एक्सएल, परिणामी प्रतिपादन क्या है इसके लिए भी जेड है, इसके लिए भी परिणामी प्रतिपादन क्या है जेड है, तो वही कोस फाई इसके लिए भी क्या है कोस फाई इज इक्वल टू वही आर अपॉन जेड ध्यान रख सकते हो सिंपल। अब आप यहां देखो जेड का मतलब क्या है, जेड क्या है परिणामी प्रतिपादन, जो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के इक्वल होगी, तो यहां से कोस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। फिर बात आती है नंबर तीन, आर सी परिपथ के लिए, आर सी परिपथ का पता है, आर सी परिपथ, आर सी परिपथ में आर और सी होते हैं कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, वहां इंडक्टर नहीं होता है, एल नहीं होता है, तो एल को हटा दो। अब सी में क्या होता है, सी में करंट की कंपैरिजन में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहता है, तो नीचे की तरफ ग्राफ बन जाएगा, थ्योरम तो वही लगेगी पाइथागोरस, क्योंकि राइट ट्रायंगल बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा, तो सिंपल उसी वे में हम उसको सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर ले इसे इसी वे में सेम उसी तरह से हो जाएगा। अब बस इसका ग्राफ कैसे ध्यान रखना है, ऐसे बनाना है इसका ग्राफ, ये आर है, ये बिंदु है, ओ है, इधर मान लेते हैं एक्स सी है,
ये एंगल क्या हो गया फाइंड, ये एक्स की वैल्यू है तो ये भी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब इसका परिणामी मान ये है कोसी, इसको जेड मान लेते हैं, जेड आ गया। सिंपल देखो, न्यूमेरिकल करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो वी नो दैट कॉस वाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, आर और जेड की डायरेक्टिविटी देखकर डिवाइड कर दो। और अगर जेड नहीं दे रखे, सिचुएशन दे रखी है कि एलसीआर सर्किट है, तो आपको वैल्यू दे रखी है एक्स एल और एक्स सी इनकी दे रखी है, तो ये अगर और कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं एल और सी की वैल्यू ओमेगा फॉर्म में दे रखा है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल, और ये क्या होता है वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा फिर। तो वो तो जैसी वैल्यू दे रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा टिपिकल नहीं किया जाता है, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाए इस तरह से वैल्यू दी जाती है। अब वही cos phi शक्ति गुणा इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, आर एज इट इज है, जेड क्या हुआ ये आधार, ये लंब लेकर आधार बटे कर्ण आ गया। अब इस कर्ण का मान किसे निकालना है, वही आधार स्केल प्लस लंब स्केल, वैल्यू क्या आ जाएगी cos phi इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। या आपको अगर सोलर में वैल्यू दे रखी है, संधारित्र की धारिता का मान दे रखे हैं, तो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको सोल्व करके कौन सा मान आता है, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन फॉर्मूला फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बिकॉज फाइव का व्यंजक कहलाता है परिबद्ध के लिए लिखे, तो ये लिखिए। अगर संधारित्र की धारिता के पदों में लिखिए, ठीक है, तो ये संधारित्र की धारिता इसके लिए पूछनी है, फिर आरसी परिबद्ध में तो नॉर्मली ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, धारिता के रूप में लेना है तो एक्स सी का मान रख दो, यही प्रेरकत्व के रूप में लेना है तो एक्स एल का मान ओमेगा एल दो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जिस फोरम में पूछा जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक के एक एक नंबर के, वो किसी भी पॉइंट से कैसे भी पूछे जाते हैं, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस उनके लिए आपको सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं करवाई जाएगी उनके अंदर, बिल्कुल सिंपल एक शब्द में आंसर पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल किया तो ऐसा होगा, एक लाइन में फॉर्मूला में वैल्यू रखी और सोल्व करो, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़े कैलकुलेशन हमारे पास उसमें नहीं दी जाएगी। तो ये शक्ति गुणांक का जो मान है वो एल आर परिपथ आर सी परिपथ और एल सी आर सभी इन सभी परिपथ के लिए है। क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं हमें किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, फिर भी एक आधा क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी क्वेश्चन देखते आगे, आगे देखें क्वेश्चन इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन लिखा है आसान में, किसी R इज इक्वल टू 10 ओम प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, R दे रखा है और L दे रखा है, इसका मतलब कौन सा सर्किट हुआ एल आर सर्किट। इस संयोजन की सिरों पर E बराबर 200 साइन 100 टी वोल्ट आरोपित की गई है। ये हम पहले ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि कैसे कंपेरिजन करना है, समीकरण दे रखी है तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन करना है, तो निकाल लो V नॉट की जगह क्या लिखा है, ओमेगा की जगह क्या लिखा है, वहां से सारे मान मिल जाएंगे। E की फॉर्म में लिखे तो भी वही बात है, E को भी वोल्टता को ही E को से व्यक्त किया जाता है। परिपथ की शक्ति गुणांक की गणना कीजिए, अब देखो क्या मान दे दिया हमें, आर का मान दे दिया, एल का मान दे दिया, अब यहाँ वी आर एम एस आई आर एम एस नहीं लगा सकते, तो यहाँ अपने को पता होना चाहिए कौन सा लगाइए, कौन सा परिपथ है, ये एल आर परिपथ है, तो यहां से सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा, अपने को क्या क्या दे रखा है वो लिखें, आर बराबर 10 ओम दे रखे हैं और एल बराबर दे रखे हैं 100 मिली हेनरी, हेनरी में कन्वर्ट करो 100 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी, 10 की पावर 2 है ये -3 है तो 10 की पावर -1 हेनरी बच जाएगा, ये आ गया। और E बराबर दे रखे हैं 200 साइन 100 टी, तो ये E नोट हो गया, ये E नोट है और ये क्या हो गया ओमेगा टी होता है, तो ये ओमेगा हो गया,
ओमेगा का मान भी चाहिए हमें सोल्व करने के लिए, तो अपने पास क्या आया, ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। मात्र ध्यान रखना। अब अपने को बताना चाहिए शक्ति गुणांक होता क्या है। शक्ति गुणांक कोस फाई होता है जो किसके बराबर होता है, आर अपॉन जेड के बराबर होता है, आर अपॉन जेड। अब आर का मान और जेड का मान, तो आर तो आर है ही यहाँ जो दिया है, जेड क्या है, जेड परिपथ से देखना है, एल आर परिपथ है तो वही अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर। अगर एक्सएल का मान डायरेक्ट दे दिया जाता तब तो हम यूज कर लेते हैं, नहीं दिया गया तो हमें पता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, तो वो मान रखो आर अपॉन ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर लिख दो, और चाहे अलग अलग लिखो तो ओमेगा स्क्वायर गुणा एल स्क्वायर ऐसे मान रख दे, तो कोस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आर की जगह 10 अंडर रूट आर स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 प्लस ओमेगा का मान कितना है 100 यानी 10 की पावर 2 इंटू एल का मान कितना है 10 की पावर माइनस 1 और फिर इसका होल स्क्वायर है, तो क्या आ गया 10 बटे अंडर रूट 10 की पावर 2 प्लस कितना हो गया 10 की पावर 1 बचे और पावर 2 है तो गुणा होकर 10 की पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी, तो ये क्या होगा 1 + 1 2 गुणा 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से सोल्व कर लो इसको, बस सिंपलीफाई कर लो, 10 बटे क्या गया 2, ये वैसे दे लो 100 गुणा ये 100 प्लस 100 200 गया ना, 200 में से 2 को बाहर निकाल लो वही अंडर रूट 10 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अंडर रूट 2 और इसका मान क्या हो गया 10, तो क्या बचा 1/√2 बचा, ये 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो किसका मान आ गया, ये तो आ गया cos phi का मान जो हमें पूछा गया था, ये मान पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, चाहे तो 1/1.44 लिख दो या 1/√2 रख के भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वैल्यू में किस प्रकार से दी गई है उस तरह से आप इसको सोल्व कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या दे रखे हैं, किसी एसी परिपथ में धारा 4 एम्पीयर है, ठीक है, तथा शक्ति गुणांक 0.5 है, यदि परिपथ द्वारा वेग शक्ति 10 की पावर 5 मिली वाट हो तो परिपथ में वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए, परिपथ में वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यदि परिपथ द्वारा वेग शक्ति 10 की पावर 5 मिली वाट है, तो आपको क्या क्या मान दे दिया, शक्ति परिपथ द्वारा वेग शक्ति यानी पी का मान दे दिया और क्या दे रखा धारा, ये बात ध्यान रखना कि परिपथ में जो धारा कही जाती है, मैंने शुरू में भी 2-3 बार जिक्र किया था इस बात का, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में दी भी जा सकती है ज्यादातर नहीं दी जाएगी, अगर यू कहते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है तो वो जो सप्लाई है वो आरएमएस सप्लाई ही होती है, वो लिखा नहीं जाएगा कि आरएमएस है, वो आपको ध्यान रखना है गिवन मिलने का आरएमएस वैल्यू और फॉर वोल्टेज फॉर करंट, तो यहां जो 4 एम्पीयर दिए गए हैं दैट इज आईआरएमएस, ये कंफर्म आप ध्यान रख ले और ये मान के चले जो वैल्यू है अपने पास आरएमएस वोल्टेज ही सप्लाई होता है और करंट भी उसके अनुसार आरएमएस करंट ही होता है, अगर नहीं दिया गया लिखा गया तो दिक्कत नहीं है। कोस फाई का मान दे दिया, क्या पूछ लिया वोल्टता का शिखर मान, अब देखो फॉर्मूले में वोल्टता का आरएमएस मान होता है तो आरएमएस रिजल्ट आया शिखर, फिर हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर। ठीक है, सारी वैल्यूज लिखने पहले गिवन वैल्यूज क्या है, सबसे पहले अपने को दिया रखा है आई आरएमएस इज इक्वल टू 4 एम्पीयर, cos phi दे रखा है इज इक्वल टू 0.5, तो मात्रक में इसका p का मान दे रखा है p इज इक्वल टू 10 की पावर 5 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट तो वोल्ट में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा p इज इक्वल टू 10 की पावर 5 गुणा मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3 कितना बचा प्लस का 2 तो 10 की पावर 2 वोल्ट, सिंपल क्या कह सकते हैं कितना बचा 100 वोल्ट। अब अपने पास फॉर्मूला देखिए क्या है, ज्ञात क्या करना है, पहले तो हमें वो यहाँ वी आर एम एस ज्ञात करना पड़ेगा,
फाइनली हमें को वी नॉट याद करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वोल्टता का शिखर मान याद करना है। तो पहले वी आर एम एस तक पहुंचेगी फिर पहुंचेगी। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ। हमें क्या निकालना है, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या है, ये डिवाइड में चला जाएगा पी अपॉन आई आर एम एस कॉस फाइ। मान लो जी P की जगह कितना रखेंगे 100 और आई आर एम एस की जगह 4, cos phi की जगह 0.5 कितना होगा 20, 0 के बाद पॉइंट की जगह 2, 100 में 2 का भाग देंगे कितना 50 वोल्ट। लेकिन दिस इज नॉट आंसर, ये अभी आंसर नहीं है। अपने को क्या बताना है, शिखर मान बताना। तो अपने को पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन रूट टू। तो वी नॉट निकाला है, रूट टू इधर आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ गया वी आर एम एस इंटू रूट दो। तो वी आर एम एस कितना 50 गुणा अंडर रूट दो, ऐसे लिख दो। और चाहे अंडर रूट दो का मान रख दो 1.414 और मल्टीप्लाई करके इसका लगभग 1.5 गुणा से आसपास आएगा, लगभग गुणा करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल जो है वो दो फॉरम में पूछे जा सकते हैं। एक फॉरम जेड वाले फॉरम है, आर और जेड वाले फॉरम। आर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि प्रतिबाधा के रूप में, प्रतिबाधा के रूप में शक्ति गुणांक को व्यक्त कीजिए। तो शक्ति गुणांक इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, परिपथ में प्रतिरोध बटे परिणामी प्रतिबाधा, ठीक है। और दूसरा आर एम एस की फॉरम में, आई आर एम एस वी आर एम एस की फॉरम में भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से शक्ति गुणांक से संबंधित भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन, चैप्टर पूरा होने के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 5-6-7 सालों में जितने भी आए हुए पेपर रखे हैं मेरे पास, उनमें से देख के मैं उनको नोट डाउन कर लूंगा, प्रिंटिंग हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हैं, कैसे आए हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे आए हैं, कितने नंबर के कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं। तो उन सब की हम चर्चा करेंगे लाइव, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें साथ साथ, और फिर कोशिश करेंगे इसका इस चैप्टर का टेस्ट भी करें। टेस्ट के लिए भी लाइव टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर पूछ लूंगा और आप उसका रिप्लाई करेंगे, आपको सही गलत जो है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ अपने बताते रहेंगे लाइव चैट में। तो आप इसको जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो इसको रिवाइज कर लें, लगभग 10-12 क्लासेस हो गई होंगी, शायद ज्यादा ही होंगी। तो आप पिछली सारी क्लासेस देख लें, पहले इसको सारे जो नए जुड़े हैं वो भी सारे पहले पिछली क्लासेस देख लें और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। 3-4 दिन में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे लास्ट क्लास में, उसके बाद हम इसमें आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक दिन, उसके बाद हम इसका एक दिन टेस्ट सीरीज रखेंगे जिसमें मैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछूंगा और उनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरह से लाइव सेशन हम रखेंगे जिससे आपको ये आकलन हो जाएगा कि इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपने कितने तैयार है। सबसे बड़ी विशेषता ये इस चैप्टर की, अगर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इस टॉपिक से आपको फॉर्मूला भी याद है, ये भी याद है, इस फॉर्म में भी याद है, इस फॉर्म में भी याद है, तो डेफिनेटली आपसे डेरिवेशन गलत हो ही नहीं सकता, वो भी सही होगा, बिल्कुल 1% भी चांसेस नहीं है कि गलत हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको पूरी तैयारी उसके अनुसार करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से आप इसको तैयार कर लें और टेस्ट के लिए भी तैयार रहें। टेस्ट भी हम इसका रखेंगे और पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसके लिए हम चर्चा करेंगे, आप इसको रिवाइज करें साथ साथ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कर दें। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुभ रात्रि।